हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम लर्न करने वाले हैं कोलबेस रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर देखिए कोलबेस रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पर हमें फिनोल को कन्वर्ट करना रहता है सैलिसिलिक एसिड में। ओके, तो यहाँ पर फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमको, ठीक है ना। जिसको फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आता है, यहाँ पर देखिए ट्रिक के मदद से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोलबेस में यहाँ पर बी प्रेजेंट है, ठीक है। तो बी से हो गया बेंजीन रिंग। ओके, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे बेंजीन रिंग। ओके, देन नेक्स्ट बी के आगे क्या है, ओ एल, ऑल दैट इज अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप का सिंबल क्या होता है, ओ एच, ठीक है, ओ एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ओ एच ग्रुप, दैट इज अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया फिनोल का स्ट्रक्चर। ओके, तो इस फिनोल को हम रिएक्ट करवाएंगे एन ए ओ एच के साथ, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी ये कैसे याद रखोगे कि हमें फिनोल को NaOH के साथ रिएक्ट करवाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B से बेंजीन रिंग पे हमने OH ग्रुप तो लगा दिया, ठीक है। फिर वापस से देखिए B के आगे क्या है, BES, बेस। ओके, मतलब बेस यहाँ पर हम ले लेंगे NaOH, ठीक है। फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, तो यहाँ पर फॉर्म होगा सोडियम फिनोक्साइड। तो सोडियम फिनोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस बेंजीन रिंग को ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको लगाना है ओ एज इट इज रहेगा, ठीक है। एच को हटा देना है और एन ए को लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाओगे ओ एन ए। ओके, सो दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। ऑलराइट, देन नेक्स्ट अभी इस सोडियम फिनोक्साइड को रिएक्ट करवाओगे फर्स्ट CO2 एंड सेकेंड H+ आयन के साथ, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अभी सैलिसिलिक का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग को ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला फिनोल का स्ट्रक्चर है एज इट इज रहेगा, यहाँ पर OH ग्रुप, ऑलराइट। देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सी टू टाइम्स ऑक्सीजन और यहाँ पर एच, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया COOH, मतलब यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पे, ठीक है, ऑर्थो पोजिशन पर हम यहां पर लगाएंगे COOH ग्रुप। ऑलराइट, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। ओके, सो इस तरीके से आप कोलबेस रिएक्शन को याद रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमें फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जिसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी है, मतलब बी मतलब सबसे पहले बेंजीन रिंग को ड्रॉ करना है। देन बेंजीन रिंग के ऊपर हमें अटैच करवाना है ओ ऑल को, डेट इज ओ एच ग्रुप को। तो ये हो गया फिनोल का स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है बी ई एस, डेट इज बेस। तो यहाँ पर हम फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ, डेट इज एन ए ओ एच, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड। ओके, देन सोडियम फिनोक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे सी ओ टू एंड एच प्लस आयन के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। ओके, सो आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।